हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज हम जानेंगे कि आपने दोस्तों AJIO के अंदर एक्सचेंज के लिए रिक्वेस्ट किया है तो उसको आप कैसा कैंसिल कर सकते हैं फ्रेंड्स अपनी रिक्वेस्ट को, और जो आपका ऑर्डर था एक्सचेंज का वो कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका एक्सचेंज नहीं होगा फ्रेंड। इसके बाद आपको क्या करने का वो बताने वाला, स्टेप को आपको फॉलो करने का है और आपको एक कंप्लेंट करने का है। जैसे आपकी कंप्लेंट एक्सेप्ट हो जाती है फ्रेंड्स, हमको दोस्तों ये 3 से 4 घंटे लगेगा, आपका एक्सचेंज का रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगी फ्रेंड्स। तो चलिए हम जानते हैं फ्रेंड्स, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमको इधर देखिए, डाउन में आपको नीचे दिख रहा होगा अकाउंट, तो आपको अपने अकाउंट पर क्लिक करना है फ्रेंड। उसके बाद आपको कस्टमर केयर पर जाना है फ्रेंड्स, अकाउंट पर क्लिक कर लीजिए फ्रेंड्स। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आने के बाद आपको इधर कस्टमर केयर ढूंढना है। देखिए इधर आपको कस्टमर केयर दिखेगा फ्रेंड्स, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। सबसे टॉप पे रहता है फ्रेंड्स, ऑर्डर के नीचे कस्टमर केयर आपको दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो कस्टमर केयर पे क्लिक कर लीजिए फ्रेंड्स, और यहाँ कैंसिलेशन पे हम आएंगे फ्रेंड्स। यहाँ कैंसिलेशन पे जाएगा और यहाँ से हमको उनका ईमेल आईडी लेना है फ्रेंड्स, उस पर हमको रिक्वेस्ट करना है। देखिए इस पर क्लिक करना है, आप कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करिए, स्टिल नॉट रिजॉल्व पे आपको क्लिक करना है। हेल्पलाइन नंबर है, उसके नीचे ईमेल है, तो ईमेल पे हमको क्लिक करना है। ईमेल पे क्लिक करने के बाद हमको इधर जीमेल दिख रहा है, जीमेल पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। तो हमको जीमेल से उनको रिक्वेस्ट करने का, अपने आपको अपने रजिस्टर ईमेल आईडी से करना है, जो भी आपका AJIO के अंदर रजिस्टर ईमेल आईडी है उससे आपको ईमेल करना है। तो यहाँ आपका जो भी AJIO में नेम होता है वो आपको सेम टू सेम नेम इधर एंटर कर लेना है फ्रेंड्स। तो मैं अपना नाम डाल लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, आपका रजिस्टर ईमेल आईडी नहीं है तो आप फ़ोन नंबर डाल लीजिए, चलेगा फ़ोन नंबर भी इसके अंदर, उससे उनको मालूम पड़ जाएगा आपका कौन सा अकाउंट है और आपका ईमेल आईडी रजिस्टर है, तो आपको फ़ोन नंबर डालने की ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स। तो चलिए हमारा ऑर्डर आईडी होता है, जो भी आपने ऑर्डर किया उसका ऑर्डर आईडी नंबर होता है, अपने ऑर्डर में जाके देख सकते हो। आपको वो ऑर्डर आईडी यहाँ एंटर कर लेना है। आपका ऑर्डर आईडी नहीं मिल रहा है तो आपको फ़ोन नंबर डालने का फ्रेंड्स, आपका फ़ोन नंबर डालोगे तो उससे भी वो पता लगा लेगा आपने क्या ऑर्डर किया है। और फिर उसके बाद हमको एक रिक्वेस्ट लिखने का, प्लीज़ कैंसिल माई एक्सचेंज रिक्वेस्ट। तो फ्रेंड्स इतना लिखने का, आपको उधर सब्जेक्ट में लिखने का एक्सचेंज रिक्वेस्ट कैंसिल लिख लीजिए फ्रेंड्स इधर। और आपको फ्रेंड्स इसको सेंड कर देने का, आपको एक बार चेक कर लेने का, और इसको ऊपर एरो दिख रहा है ब्लू कलर का, वो एरो पे आपको क्लिक करके सेंड कर देने का फ्रेंड्स। हमारा अभी सेंड हो चुका है, 1 से 2 घंटे के अंदर आपको AJIO की तरफ से रिप्लाई आ जाएगा और जो भी आपका एक्सचेंज का रिक्वेस्ट था फ्रेंड वो कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स। बहुत ईजी है फ्रेंड्स। और दूसरा भी स्टेप आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, वो स्टेप फॉलो करके भी आप अपना एक्सचेंज के लिए जो रिक्वेस्ट किए हो वो कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपको क्या करने का है, जैसा हमने ईमेल किया था फ्रेंड्स, उससे पहले हमको एक नंबर दिख रहा था, वो नंबर पे आपको कॉल करके बोलना है फ्रेंड्स कि मैंने एक्सचेंज के लिए रिक्वेस्ट की थी, उसको हमको कैंसिल करना है। तो वहाँ से वो आपका ऑर्डर चेक करेगा, उसके बाद जो भी आपका एक्सचेंज के लिए रिक्वेस्ट किए थे वो कैंसिल कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। आधे से 1 घंटे के अंदर आपका अपडेट हो जाएगा उसके बाद, और कैंसिल कर दिया जाएगा। तो कॉल नहीं लग रहा है तो आपको ईमेल से रिक्वेस्ट कर सकते हो, कॉल लग रहा है तो फ्रेंड्स आप कॉल करके भी ये प्रोसेस को आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करने नहीं भूले, ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहती है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ आपको पूछना है नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो दोस्तों नीचे कमेंट करके आपको कोई और वीडियो चाहिए वो भी आपके लिए बना दूंगा, नीचे कमेंट करके बोलिए, मैं आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।